सो क्या आप भी ऐसी एनिमेशन करना चाहते हैं, अपने फोन में एनिमेशन थीम लगाना चाहते हैं, चार्जिंग एनिमेशन थीम, कस्टम थीम? आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन में ऐसी कस्टम थीम को इंस्टॉल कर सकते हो एंड कैसे कैसे इसको चला सकते हो एंड कई सारी वैरायटी मिल जाएंगी, कई सारी अलग अलग थीम्स मिल जाएंगी, किस तरीके से आप चला सकते हो, सारी डिटेल्स इस वीडियो में लाऊंगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक तुषार। लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, बताता हूँ कि क्या क्या आपको करना है अपने फ़ोन में सेटिंग्स, और एप्लीकेशन का भी नाम बताऊँगा कि दो एप्लीकेशन ऐसी हैं जिससे आप अपनी कस्टम एनिमेशन कर सकते हो एंड बड़ी कूल लगती है, बड़े ऑसम लगती है। एंड अगर आप इतने आलसी हो कि आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर उन ऐप को सर्च नहीं मार सकते, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, सारी लिंक दोनों की एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और एप्लीकेशन के नाम भी बताए हुए हैं। सो गाइस, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ये रही। सो एप्लीकेशन का नाम है ट्रू एम्प्स। सो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया एंड ऊपर की साइड आप लेफ्ट कॉर्नर पर देखोगे अपने, सो यहाँ पर लाइट डार्क मोड एंड लाइट मोड का ऑप्शन आ जाता है, मतलब डे मोड जो भी रहता है। सो यहाँ पर हम जनरल पर जाते हैं, सॉरी जनरल पर जाते हैं। सो जनरल पर जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है हमारा डिसेबल और अनेबल का। सो यहाँ पर डिसेबल अनेबल कर सकते हो और ये सारी बाकी चीज़ें बाद में बता देखते हैं। सेटिंग्स वगैरह हैं, आप इससे टेक्स्ट वेक्स्ट जो भी रहते हैं चूज कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन पर जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा चार्जिंग स्टाइल। सो यहाँ पर जाएंगे तो प्रोग्रेसिव सेट हुआ होता है। सो अगर आप इसको अनेबल कर देंगे एंड चार्जिंग इनपुट करेंगे, सो कुछ ऐसी जो एनिमेशन आपके पास बनकर आएगी चार्जिंग की, जो कि काफ़ी कूल लगेगी एंड आप देख ही सकते हैं। सो अगर आपको कस्टम कलर भी कर सकते हैं, आप कस्टम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टेक्स्ट वगैरह भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। एंड अगर आपको कोई और से अनलॉक करने हैं, सो ऐड के थ्रू आप अनलॉक कर सकते हैं। पर एक डिसअपॉइंटमेंट लगी कि इसमें सिर्फ 5 मिनट्स के लिए जो हमारा चार्जिंग एनिमेशन है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए अनलॉक होती है, लेकिन जो सेकेंड एप्लीकेशन बताऊँगा मैं वो लाइफ टाइम के लिए होगी एंड वो काफ़ी कूल लगेगी। तो यहाँ पर मैं वो भी बता देता हूँ। सो यहाँ पर हम जनरल पे जाएंगे एंड अगर कस्टम कलर भी कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है तो टेक्स्ट पे भी हम टेक्स्ट भी जो रहता है अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। सो सेकंड एप्लीकेशन का नाम है चार्जी। अगर आप चार्जिंग करोगे, यहाँ पर दिख रही होगी यहाँ पर बॉम सा फट रहा है, मतलब कि नीचे की तरफ। सो एप्लीकेशन का नाम है चार्जी एंड इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके ओपन कर लेना। सो ये जो यहाँ पर चार्जिंग की जो एप्लीकेशन है मैंने ओपन कर ली है एंड यहाँ पर आप कई सारी चीज़ें हैं एंड यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, पहले मैंने चार्जिंग किया एंड यहाँ पर देखिए कैसी एनिमेशन आ रही है नीचे की तरफ, क्योंकि चार्जिंग इनपुट है। और अगर मैं जैसे कि ये वाला करता हूँ, ये वाला सिलेक्ट करता हूँ एनिमेशन, सो ऐसी ही एनिमेशन आ रही है, वो काफ़ी कूल लगती है। एंड अगर कई सारी एनिमेशन है, यहाँ पर दूसरी एनिमेशन चूज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पर देख लीजिए, चूज़ कर लिया मैंने एंड काफ़ी अच्छी लग रही है। सो यहाँ पर से आप अगर कई सारी एनिमेशन है यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगी। सिर्फ आपको एक ऐड देखना है, ये लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएंगी। हालाँकि यहाँ पर देख लीजिए, मैंने दूसरी भी चूज़ किया है एंड यहाँ पर आग लग रही है एंड डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं, फायर लग रही है, काफ़ी कूल लग रही है। एंड सेटिंग में जाएंगे, पहला ऑप्शन मिल जाता है हमें पोजीशन का। सो यहाँ पर से आप पोजीशन भी चूज़ कर सकते हो कि अगर आपका चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर हो, सो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो कि यहाँ पर भी फायर आ जाएगी। एंड अगर आपको यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है, सो यहाँ पर भी आप चूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बात लगी। सो सेकेंड जो सेटिंग है वो देखते हैं। सो यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी चूज़ कर सकते हो एंड लूप वगैरह भी चूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पर हम साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी कूल लगती है एंड दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सो गाइस, इसका पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हो पहले वाली एप्लीकेशन का। सो इस वीडियो में इतना ही, सब कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी रेगुलर बेसिस पर जो भी मैं अपलोड करूंगा एंड आप उसको जल्द से जल्द देख सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई क्वेरी हो सिर्फ वीडियो से रिलेटेड, कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं ऐसी बढ़िया वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।